यार ये कहाँ पे इधर ओ यार एक ही थी मैं भी ये कितनी देर लगती थी यार नहीं बताओ झूठे मंगल मंगल दे शिवे सर्वार्थ शादी के चरण नेदम ते गोरी नारायण चुको मेरी हेल्प करने के लिए इतना मांडना बन गया है। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ हमारे घर के बाहर मांडना। रंगोली तो बनाती हूँ। थैंक यू। इतने कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, 20-20 की है इसलिए। मम्मी को 200-200 के। अच्छा ये आपका मम्मी के? मम्मी का पापा लाएंगे। लो दोनों अंदर रख दो। ये मैंने करी और दो तुमने देख बाउंड्री देख कितनी मस्त है बॉर्डर बाउंड्री अच्छी है भी पर डिजाइन तो आपने पूरी मेरे वो कर दी ना। चलो थैंक चलो थैंक क्या थैंक यू मेरे को हेल्प कर लग गई ना इतनी अच्छी तो लग रही है बस ये थोड़ा बहुत वहाँ पेंट गिर गया जितना भी गिरा है वो मैं नहीं गिरा अलग अलग जगह ऑलमोस्ट बन चुकी है हमारी रंगोली और अभी जो कॉर्नर्स बाकी है फटाफट से बना देती हूँ कॉर्नर अच्छा हिम्मी ने नहीं किया है ना हैप्पी दिवाली इधर यहाँ पे यहाँ रहेगी ना पा यहाँ कहाँ पे इधर ओ यहाँ रह गई थी मैं भी एक हॉक कर दो ना हॉक कर दो एक हॉक कर दो मुझे टाइट वाला हॉक कर दो ना नहीं भाई हैप्पी दिवाली कर दो हैप्पी दिवाली मांडना कंप्लीट बन चुका है जो आपने देखा है बार मांडना पानी दिखा हुआ तुम तो भूल ही रहे होंगे चलो दिखा देती हूँ आपको कंप्लीट मांडना बन गया है मेरे और फिर तैयार होते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए मम्मी अभी तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर मांडना कंप्लीट कैसा लग रहा है बताओ साइड में ऊपर दीजिए बना दिए नीचे शुभ लाभ लिख दिया फर्स्ट बार बनाया है मैंने और चलो तैयार होते हैं मेकअप का कुछ सामान भी नहीं है चिकू को लेके मेरे को शॉप करो जाना पड़ेगा मेकअप का कुछ भी सामान नहीं है शॉप करो जाना पड़ेगा चलो ठीक है
मैंने साड़ी कंप्लीट वेयर कर दी है, मेरा मेकअप का सामान कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो मैं अभी जा रही हूँ सैलून, तो फटाफट से तैयार होकर आ जाती हूँ। 5 मिनट लगते हैं मुझे हार्डली। मुझे कितनी देर लगती है तैयार होने में बताओ? 1 घंटा, ज़्यादा नहीं लगता है। हमारे स्टूडियो में आ गए तैयार होने के लिए। सबसे पहले एक वीडियो फटाफट से तैयार हो जाती, स्किन केयर करके आएगी। फैन ले आओ बोला। कंप्लीट रेडी तो मैं हो गई हूँ, मेकअप मैंने कर लिया है, और सैलून के अंदर मेरा जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी का कैबिन है, उसकी चाबी घर रह गई थी, तो अभी चीकू लेने गए हैं। और एकदम सिंपल ही मेकअप किया है, आप देख सकते हो। नॉर्मल आईलिड पर हल्का हल्का हाईलाइटर लगा दिया है, फेस पर हाईलाइटर और लिपस्टिक, बस बहुत हो गया, और हल्का सा फाउंडेशन। ज्वेलरी मैंने पहन ली है, मैं कंप्लीट रेडी। हल्के से बाल मैंने ट्राई कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले खुले लग रहे थे। अब चलती हूँ बाहर, ईयर रिंग्स चिकू के जेब में डलवा देती हूँ। क्या लग रहा है, यूं कह रहे हैं खुलेगी मार्केट, परसों बंद रहेगा। सब जनों को हैप्पी दिवाली। जलाया एक भी नहीं, जलाया ना, ना रख के रह गया, जला के भाग के आ जाना। हाँ वही वही लगा लगा, अरे लगा आराम से। चलो अब नर्व से अपन दोनों के फोटो खिंचवा दो, फिर ले जाएंगे। यार ये इतना चुप, मेरी आंख उड़ के कुछ है। हवा आई होगी। हवा कौन सी हवा? उड़ के रहती है हवा, हवा हवा में ही रहती है। पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नास्तस्मे गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु। Thank you.
सब जगह पर लक्ष्मी पूजन हो गया है, सिर्फ शॉप करो पर बाकी है। तो शॉप करो पर लक्ष्मी पूजन करने के लिए हम सब जने आ गए हैं। सर्विस निभाते हो तरीके से, कितना अच्छा लगता है तुम काम करते हो, तुम करा करोगा। अभी इस कैमरे की पूजा होने जा रही है। प्रैक्टिस थी की है विद्रानी माता जी ने। तस्वीर भी दे दो, जो तस्वीर जो है वो उतार दे। मैम कैमे मायरा क्या कहती है पता है, पनीर चिल्ली चाचा बनाएंगे। तुम डल रहे थे उस वीडियो में इसलिए। ये ऐसे फोल्ड थोड़ी करते, ये चाइनीज कॉलर बोलना। तो फ्रेंड्स मुझे नाक पे क्यों बनाई थी, तो फ्रेंड्स मुझे नाक पे है ना लग गई, इन्फेक्शन हो गया। तो अभी मैं और चिकू दोनों घर जा रहे हैं, चिकू को थोड़ा काम है, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर यहाँ से होटल जाना है। इसलिए अंदर पूजा हो रही है, यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई। हाँ ठीक है, अभी हम सब जने जा रहे हैं होटल खाने के लिए, तीनों जगह पर पूजा हो गई। और ये मलिकी यहाँ पे हमारा खाना आ गया। हम सब जनों ने खाना खा लिया है, टाइम भी 12:30 हो चुके हैं और हम सब जने अब निकलेंगे घर के लिए। कल अर्ली मॉर्निंग हमको उठना है। एक स्टोरी आपको घर जाके सुनाते हैं, अभी एक बार घर के लिए निकलते हैं। जिस तरह से करके बैठ के आए थे, अब जिस तरह से करके बैठ के जाएंगे। अब व्यूज बड़ा तो यार आगे तो क्या बोलूँ, फिर गाड़ी भी नहीं ले लेंगे। घर पे आ चुके हैं और क्या थक गए हैं यार। वाकई कोई फेस्टिवल होता है ना, काम भले कुछ ज़्यादा ना हो पर थकान बहुत ज़्यादा लग जाती है। और इसी थकान में हम गए थे 11:30 होटल, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे गए, क्या देखा वहाँ पे, तालाचंद जी। होटल बंद थी, फिर वापस मुड़ के आए, हमारे ऋषभ देव के पास में एक होटल है, फिर वहाँ पे गए। पर हमको खाना वहाँ का खाना था और चिकू को तो ठीक है ना। चलो 12:00 होटल मिल गई, वो बड़ी बात है। अगर सारी बंद होती मुझे घर पे आके नमकीन की सब्ज़ी बनानी पड़ती और एक तरफ रोटी बनानी पड़ती। पर वाह, खाना खा के आ गए हैं और बस। अब कल दिवाली, आज तो प्रॉपर दिवाली थी, लक्ष्मी पूजन वगैरह सब हो गया। अब कल के दिन हम सबको मिलने वगैरह जाते हैं, पर कल ग्रहण है। अब क्या होता है कल के व्लॉग में देखना, वेट करना, कल का व्लॉग आएगा ज़रूर। और कल जहाँ जहाँ मिलने जाएंगे वो तो बताऊँगी मैं आपको, अब अभी तक फिक्स नहीं है क्योंकि कल ग्रहण है। सब अभी वाले सारे फेस्टिवल ऐसे ही हो गए, राखी के दिन राखी नहीं बांध सकते, मिलने जाना उस दिन मिलने नहीं जा सकते। पर चलो आगे क्या होता है देखते हैं। यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। आप सबको हैप्पी दिवाली। आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय।